हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। खरीदो और भूल जाओ, चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या इसके टेक्निकल है, क्या इसके फंडामेंटल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। गुड क्वालिटी का ये स्टॉक है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रेस ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 13.61%, आप इसकी ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 27%, आप इसके नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 0.16, जो कि एक से कम है, वो बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके प्लेज शेयर देख लीजिए 0, कंपनी ने अपने एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा हुआ है। आप इसकी वैल्यूएशन देख लीजिए, वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो भी प्राइस 23 से अप होगी इसको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 70.55, जो कि अपनी इंडस्ट्री के पी से थोड़ी ज़्यादा है। आप इसकी ईविट टू इबिट्टा रेशियो देख लीजिए 37.98%, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इसकी पी जी रेशियो देख लीजिए 5.53% है। आप इसके आर ओ सी देख लीजिए 20.51% है। आप इसके आर ओ ई देख लीजिए 16.56% है। मेरे को ये वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी इसके ये जो वैल्यूएशन है उसमें कोई ख़राबी नहीं है। आप मार्केट में जाओगे कोई अच्छी चीज़ लेने तो आपको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही मिलेगा। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए 22.25% के एक बेहतरीन जंप है। आप इसकी नेट प्रॉफिट देख लीजिए 70.93%, यानी कि करीब 18% की जंप है। आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 0.75% की जंप है, जो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक बढ़िया सी जंप देखने को मिली है नेट सेल्स में, नेट प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जो पिछले साल का रिजल्ट है उसके कंपेरिजन में इस साल का रिजल्ट है। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए 19.07, एक बढ़िया जंप दिखाई दे रही है। आप इसकी नेट प्रॉफिट देख लीजिए 11.84, जो भी एक बढ़िया जंप है। आप इसकी नेट प्रॉफिट देख लीजिए, सॉरी आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए 0.30%, वो भी एक बढ़िया बात है। आप इसकी क्या है कि जो ईयरली रिजल्ट है और क्वार्टरली रिजल्ट है दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में जंप आई हुई है, दोनों में अच्छे रिजल्ट आए हुए। चलिए अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 58.48% की एक बढ़िया हिस्सेदारी है। एफआईआई इसके पास 21.93 की एक बेहतरीन होल्डिंग है, जिसमें इसने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 3.63% इंक्रीज की है। म्यूचुअल फंड के पास 5.73% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी में प्लेज शेयर की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने अपना एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा है। चलिए जानते हैं अब कौन सी है कंपनी, क्या इसके फंडामेंटल, तो हमने देख लिया टेक्निकल लेवल है, कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें हम उस पर एक डिटेल वीडियो बताएंगे, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करके हम आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन देंगे। अब तक हम बात कर रहे थे प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में। अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन है, मिड कैप स्टॉक है। आप इसकी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.05, जो कि थोड़ी कम है लेकिन अच्छा है, डिविडेंड पे करती है कंपनी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये स्टॉक कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं चार्ट की ओर, देखते हैं क्या इसके टेक्निकल है, कौन से लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। अब हम एस्ट्रल पॉलीटेक के चार्ट के ऊपर आ गए। चार्ट देखिए आप, बेहतरीन एक अपसाइड में चल रहा है। इस चार्ट ने इधर इस लाइन पे पहली बार सपोर्ट लिया था, बाद में इधर थोड़ा सपोर्ट लेकर नीचे गया था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं गया है, सपोर्ट लेकर फिर ऊपर आ गया, इधर भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया, ये दो बार भी सपोर्ट लिया, ये इसकी ट्रेंड लाइन बन चुकी है सपोर्ट की। आप इसमें देखिए बार बार इसमें ही सपोर्ट ले रहा है, अभी हाल फिलहाल में भी सपोर्ट लेने की कोशिश की थी लेकिन जो उसकी दूसरी सपोर्ट लाइन है उस पर सपोर्ट ले लिया था,
ये जो दूसरी रेड कलर की सपोर्ट लाइन है जो कि 1155 है, उस पर उसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। हाल फिलहाल में ये 1238 पे ट्रेड कर रहा है। अब इन फ्यूचर कहीं से भी आपको ये गिरावट में ये 1155 यानी कि 1155 और 1100 के बीच में मिल जाए तो आप इसको बिल्कुल बेझिझक होके बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।